चलिए बच्चों, दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने। नया टॉपिक, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैसी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक ये चार्ज है क्यू, और इस क्यू चार्ज का मेरे को ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर। कितना मान लूँ इसको? इसको क्यू वन मान लूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वन। इस क्यू वन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को इस पी पॉइंट पर। पी पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको मैंने मान लिया आर नॉट। अब आपको क्या करना है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? पी पॉइंट पर। तो यहाँ से एक पी पॉइंट की तरफ वैक्टर बना लो आर वैक्टर। और इस आर वेक्टर को कैसे लिखोगे आप? आर वेक्टर बराबर किस तरफ बनाया आपने? पी की तरफ। हमें याद क्या रखना है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट की तरफ एरो बना देना है और उसकी पोजीशन में से इसको माइनस करना है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? माइनस आर वन। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर हमें पता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर कितना? आर वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड को लिख देंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर के मॉड का क्यूब और ये आर वेक्टर। आप इसको बुक में अगर देखते हैं, बुक से मिलाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा खतरनाक हो जाएगा लिखने में, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर कितना है ये रहा, मॉड में आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का क्यूब ब्रैकेट में। आर वेक्टर की जगह कितना लिख सकते हैं? आर नॉट वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, खत्म। अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज होते तो मैं यहाँ इसकी जगह कितना कर दूँगा? आर टू। उन दोनों को वैक्टोरियली प्लस कर दूँगा। अगर मेरे पास तीन चार्ज होते तो यहाँ पर थ्री कर देता, ऐसे और वैक्टर सम करते जाएंगे। हर एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका क्या करते जाएंगे? वैक्टर। अब यहाँ पर बात याद रखने वाली क्या है? पहली बात ज्ञान की बात, ज्ञान की बात में पहली बात है चार्ज जो होगा साइन के साथ रखना होता है क्वेश्चन में, साइन के साथ। दूसरी बात, एरो हमेशा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एरो हमेशा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है निकालना है उस तरफ। क्लियर है क्या? ये सारा पार्ट था। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, फोर्स का टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आपको, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सारे कुछ डेरिवेशन थे जिसके अंदर हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। अब जो हमारे पास इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, डाईपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर फिर हमें चार्ज के मोशन को भी स्टडी करना है। इसके बाद वाले टॉपिक पे आता हूँ मैं, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करेंगे और बाकी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। छोटा वीडियो है यार, थोड़ा सा ही बनाना था इसमें। अगर मान लो और चार्ज होते तो यहाँ पर बस आर टू आपको इतना ही ऐड करना है, आपके लिए तो आसान है, प्रैक्टिस करें। इसको मिटा देता हूँ मैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन तो कराना नहीं है ना इसमें। चलिए मिलते हैं, बाय।